अज की यह महफिल जैसा कि थोड़े इलम विच कि 40वीं की महफिल है और अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा वास्ते एक खास तोहफा अता फरमाया कि इस दुनिया तो जान आला बंदा एक अपने आमाल नाल नाता तोड़ के जा रहा हुंदा मजीद नेकियां और मजीद गुनाहां दी उस दे नामा आमाल दे विच गुंजाइश नहीं होंदी लेकिन आका अलैहि सलातो वसलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत दा एक आदमी जो कबर चो निकलेगा तो वह वेखेगा कि उसके बहुत सारे जेड़े गुनाह वो अपने नाल कबर दे विच लैके गया सी ओ नेकियां दे अंदर तब्दील हो चुके ने पूछेगा ऐ रब्बे अयुशैन हाजा ऐ मेरे मालिक ए केश है वे मैं ते बड़े ढेर सारे गुनाह लैके आया सा मैं ते बहुत सारिया खतावां लैके ए सोच के कबर चो निकलिया कि मैं गुनाहगार शायद आज हशर के होवेगा लेकिन ए अंदाज कि मेरे गुनाह नेकियां च बदल चुके ने मेरे ते गुस्सा मेहरबानियां च बदल चुकिया है मेरा मालिक इस लुत्फो करम दा सबब के वे अल्लाह ताला इरशाद फरमानगे कि इसनु दसो कि ए नेकियां तेरियां नहीं हैं लेकिन वालदो का अस्तगफर लका जेड़ी तू औलाद छोड़ के आया है जेड़े तेरे पीछे तेरे दोस्त अहबाब आए उन्होंने तेरे वास्ते दुआए मगफिरत की थी है जिस दुआ दे सबब नाल अल्लाह ताला ने तेरे गुनाहों नु नेकियां च बदल दिता है फरमाया उम्मती उम्मतुन मरहूमतुन मेरी उम्मत ओ उम्मत है जेड़ी उम्मत है मरहूमा है जिस ते अल्लाह दा रहम होंदा है चाहे ओ दुनिया दे अंदर जिस अंदाज दे विच भी जिंदगी गुजार के जावे अगर ओ अपनी आखरत वास्ते नेक औलाद छोड़ के जा रहा है ऐसा इलम जेड़ा नफा देने वाला ओ छोड़ के जा रहा है जा सदका जारिया छोड़ के जा रहा है अल्लाह ताला इन्हां दा हिस्सा उसनु कबर दे विच भी अता फरमानगे और ओ जी खुशकिस्मत शख्सियत जेड़ी औलाद भी नेक छोड़ के जाए जेड़ा सदका जारिया भी छोड़ के जावे जेड़ी सिर्फ इलम नहीं बल्कि इलम देने वाले कई असातजा पैदा करके जावे सोचो जिन्हू त्रै सैडा तो अल्लाह ताला फैज अता फरमावन उन्होंने कबर दे विच कितनी राहत हासिल हो रही होवेगी बल्कि नेक लोग जेड़े कबर दे विच जांदे ने इमाम हाकिम ने मुस्तदरक विच रवायत की थी इन आमालकुम तुअरदु अला अकारिबिकुम व अशाइरिकुम तुहाडे आमाल तुहाडे नेक लोग जेड़े कायनात तो पर्दा कर गए उन्हां ते पेश कीते वेंदे ने पेश कीते वेंदे ने कि जनाब तुहाडी औलाद ने आए चंगे कम कीते आए बुरे कम कीते हर अंदाज दे विच पेश कीते वेंदे ने फइन यकूनु खैरन फयफरहून अगर वो आमाल नेक होवन और रूहां तबस्सुम कर दिया ने वो खुश हो दिया ने फइन यकूनु गैर ज़ालिका अगर मामला इदे उल्ट होवे चंगे कम न पेश होवन फयदऊ लहू वो कबर दे विच बह के दुआ कर दिन अल्लाहुम्मा ला तुमितहुम हत्ता तहदियहुम कमा हदीतना दुआ के कर दिन कि ऐ मेरा मालिक इन्हनु उदों तक मौत न देना जदों तक इन्हनु साडे आर हिदायत अता ना फरमा दे ए ओ नफूस कुदसिया ने जेडे कायनात ते रह के भी अल्लाह ताला दी रहमतां बखेरन दा सबब होंदे ने और जदों पसे मजार चले वेंदे ने अल्लाह ताला इन्हां दे तसर्रुफात दे विच इन्हां दे नेक आमाल दे असरात दे विच इतना इजाफा फरमा दे दिन कि अपने बाद आलियां दे विच भी अपनी बराकात बाकी रखदे ने अल्लाह ताला जनाबे सूफी जफर हयात साहब नु करवट करवट जन्नत अता फरमावे आका अलैहि सलातो वसलाम दी मिदत समात करदे आ इदारा मुनिर इस्लाम दे तालिबिलम जनाबे कारी मोहम्मद अख्तर तुहाडे सामने तशरीफ लाए आउंदे और हदीया इनात पेश करदे।